गढ़वा में हाथियों का आतंक जारी है। रमकंडा और बड़गढ़ प्रखंड क्षेत्र में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने कई घरों को ध्वस्त कर दिया है, वहीं अनाज को भी बर्बाद कर दिया। हाथियों के आतंक से ग्रामीण डरे हुए हैं। वहीं वन विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हाथियों को गांव में प्रवेश करने से रोकने की तैयारी कर ली है। साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजा भी दिया जा रहा है। गढ़वा की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हाथियों ने कई घरों को ध्वस्त कर दिया है, जिससे लोग काफी खौफ में हैं। वन विभाग को लेकर भी लोगों में नाराजगी है कि अक्सर हाथी ऐसे उत्पात मचाते हैं, लेकिन कोई पहल नहीं होती, ना ही विभाग हाथियों को खदेड़ने की कोशिश कर रहा है। गढ़वा की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कई घरों को हाथियों ने ध्वस्त कर दिया है, जिससे ग्रामीणों में काफी दहशत है। हालांकि पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन हाथी कैसे रिहायशी इलाकों में प्रवेश ना करें, इसकी कोशिशें हो रही हैं। गढ़वा से सहयोगी आशुतोष जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। आशुतोष, हाथियों के आतंक से लोग दहशत में हैं, कई घरों को ध्वस्त किया गया, लेकिन सिर्फ मुआवजा देना इसका उपाय नहीं है। क्या कोशिशें हो रही कि ऐसे रिहायशी इलाकों में हाथी ना घुसे? देखिए आशी, आप पहले भी देखे होंगे, गढ़वा से हमने और भी खबर भेजा था, जहाँ हाथियों द्वारा आतंक मचाया गया था, कई घरों को ध्वस्त किया गया था। उस समय भी वन विभाग के अधिकारी का जवाब था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हाथी उस इलाके में फिर से दोबारा न आवे, घर को नुकसान न पहुंचावे, लोगों को मुआवजा दे रहे हैं। मुआवजा पर ज्यादा जोर रहता है, लेकिन मुआवजा देने से आखिर आप कब तक मुआवजा देते रहिएगा? और उसमें भी होता है कि जितना क्षति हुआ उतना का मुआवजा नहीं मिल पाता है, लेकिन हाथी फिर से उस रिहायशी इलाकों में न आवे, इसकी भरपूर कोशिश अभी तक नहीं की गई। अगर ऐसी कोशिश, कंक्रीट कोशिश की गई होती आशिया, तो फिर से दोबारा हाथी वहां नहीं पहुंचते। लगातार हाथी का आतंक इस इलाके में जारी है, कभी रमकंडा इलाका, कभी रंका इलाका। तो अभी भंडरिया जो इलाका है, जो सटा पहाड़ से सटा हुआ इलाका है, जंगली इलाका है, वहां पर हाथी पहुंच रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि रोज लोग दहशत में है, देर रात तक जग रहे हैं लोग, तब जान की क्षति नहीं हो रही है, खाली माल की क्षति हो रही है आशिया। लेकिन अगर लोग नहीं जागे, किसी रात सो जाएं, या सोचे कि दो दिन हाथी नहीं आया, अब नहीं आएगा, तो जान की भी क्षति हो जाएगी आशिया, लोगों की मौत हो जाएगी, ऐसी स्थिति बनी हुई है। चलिए, शुक्रिया आशुतोष उस तमाम जानकारी के लिए।